तो दोस्तों, आज 7 अप्रैल 2021 को दुनिया भर में वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व किया जा रहा है और उस दौरान दोस्तों हम ग्रैनुअल्स इंडिया स्टॉक की एनालिसिस करेंगे, ग्रैनुअल्स इंडिया शेयर की फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और उसके बाद प्राइस चार्ट में मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर प्राइस एक्शन को समझेंगे और उसके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस स्टॉक में कोई अपॉर्चुनिटी है और अगर अपॉर्चुनिटी है तो पॉसिबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी या निवेश करने की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मैं डीके आप सभी का आपके चैनल के ऊपर में स्वागत करता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को इनेबल कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस से ग्रैनुअल्स इंडिया के शेयर की। दोस्तों, तो दोस्तों ग्रैनुअल्स इंडिया लिमिटेड के फंडामेंटल्स का ओवरव्यू लेते हैं क्विकली। एक साल के दौरान इस स्टॉक ने 113.34% का रिटर्न्स दिया है जो एक फिनोमिनल रिटर्न्स है दोस्तों। इसके अलावा हम इसकी बात करें तो इंट्रिंसिक वैल्यू दोस्तों करंट प्राइस जो है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है, तो ये इसके बहुत फेवर में जाता है दोस्तों वैल्यू बाइंग अप्रोच के तहत। दोस्तों इसके बाद हम देखें तो रिटर्न्स वर्सेस एफडीआर कंसिस्टेंटली इस स्टॉक ने फिक्स डिपॉजिट रेट से बेहतर रिटर्न दिया है, कोई रेड फ्लैग्स नहीं है, ये सेबी के एएसएम जीएसएम लिस्ट में कवर नहीं होता है। और दोस्तों अगर हम फर्दर देखें तो इसके डिफॉल्ट की प्रोबेबिलिटी आने वाले महीनों में नज़र नहीं आती है और एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी है। क्वालिटी चेक्स में देखें तो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है, ग्रोथ स्कोर में अमंग द टॉप परफॉर्मेंस ये स्टॉक है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों हम आते हैं तो ये कंपनी जो है वो हेल्थ केयर में आती है, फार्मास्यूटिकल स्पेस में ऑपरेट करती है। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप है करीब 8,200 करोड़ और उसके बाद इसे रैंकिंग मिलती है मार्केट कैप के अनुसार 308। ये मॉडरेट रिस्क स्टॉक है क्योंकि इसकी जो वोलेटिलिटी है वो है 2.3x टाइम्स निफ्टी की वोलेटिलिटी से अगर हम कंपेयर करें दोस्तों। अगर हम की मैट्रिक्स की बात करें तो इसका पी रेशियो है 25.2 जो सेक्टर के पी से 42.69 से कम है जो इसके फेवर में जाता है। पीबी रेशियो है 4.58 जो सेक्टर के पीबी रेशियो के मोर और लेस सेम है 4.48 के। फर्दर दोस्तों अगर हम देखें इसके फाइनेंशियल ट्रेंड्स की बात करें तो कंसिस्टेंटली रेवेन्यू में ग्रोथ नज़र आ रहा है। ये सारे फिगर जो आप देख रहे हैं ये 1000 करोड़ में है और प्रॉफिट में भी कंसिस्टेंटली ग्रोथ नज़र आ रहा है। लो प्लेस्ड प्रमोटर होल्डिंग इसके फेवर में जाता है दोस्तों। अगर रीसेंट न्यूज़ की बात करें इस स्टॉक के लेटेस्ट न्यूज़ की तो दोस्तों इसे शेयर खान जो एक ब्रोकिंग हाउस है इसने बाई की कैटेगरी में, ऑफ कोर्स दो वीक पहले की बात है, बाई की कैटेगरी में डाला है 475 पर। दो वीक में तो इस स्टॉक ने काफ़ी बड़ा करेक्शन किया है दोस्तों। इसे तो हम प्राइस चार्ट पर चलेंगे तो डिटेल तरीके से समझेंगे। अब चलते हैं एक नज़र फाइनेंशियल पे कि पिछले 5 साल के दौरान में क्या सिनारियो रहा है। तो दोस्तों 5 साल में अगर हम देखें तो इसका रेवेन्यू का जो ग्रोथ है वो इंडस्ट्री के ग्रोथ से बहुत अच्छा है दोस्तों। ईयरली इसका ग्रोथ 15.69% से ग्रो किया है जबकि इंडस्ट्री ने ग्रो किया है 7.26% से। अगर हम नेट इनकम की बात करें तो नेट इनकम में भी इसका जो ग्रोथ है ईयरली ग्रोथ पिछले 5 सालों में वो इंडस्ट्री के ईयरली ग्रोथ से बेटर है। इंडस्ट्री ने ग्रो किया है नियरली 4% से बट स्टॉक ने नेट इनकम के फ्रंट पे ग्रो किया है 29.84% से पर एनम दोस्तों। यहाँ पर मार्केट शेयर जो इसका बहुत पॉजिटिव है जो डायरेक्टली सेल्स को इम्पैक्ट करता है वो दोस्तों पिछले 5 साल में इसका मार्केट शेयर 0.78% से बढ़कर 1.12% हो गया है जो इसके फेवर में जाता है। चलिए दोस्तों अब स्ट्रेट वे प्राइस चार्ट पर चलते हैं और मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कोई इसमें मौका है। हेलो फ्रेंड्स,
तो दोस्तों हम टेक्निकल एनालिसिस की जो मल्टीपल टाइम फ्रेम है उसकी शुरुआत कर रहे हैं मंथली चार्ट से। पहले हम दोस्तों को हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम आगे के एक्शन को बेहतर तरीके से इमेजिन कर पाएंगे और समझ पाएंगे। दोस्तों यहाँ देखिए, इस स्टॉक की लिस्टिंग हुई 2005 में और उसके बाद इस स्टॉक ने एक बहुत भारी मेजर रेजिस्टेंस फेस किया 12.50 रुपये के आसपास में, और उसके बाद भारी गिरावट देखी गई और ये स्टॉक गिर के इसने लो बनाया 2.55 रुपये का, और ये लो बनाया अक्टूबर 2008 में, क्योंकि 2005 के बाद 2008 में दोस्तों एक बेयर मार्केट की शुरुआत हुई। अब उसके बाद प्राइस में रिकवरी चालू हुई, लेकिन ये एरिया जो रेजिस्टेंस था ये रेजिस्टेंस फेस करता गया और अल्टीमेटली यहाँ पर देखिए लेफ्ट शोल्डर हेड का फॉर्मेशन, राइट शोल्डर का फॉर्मेशन और एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का जून 2012 में एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ। और उसके बाद दोस्तों प्राइस ने थ्रोबैक किया और थ्रोबैक करने के बाद प्राइस ने इस नेकलाइन को टेस्ट किया और फिर आप देखिए प्राइस एक मासिव रन किया इसने, और ये रन था दोस्तों 9.30 रुपये से इस स्टॉक ने 87 रुपीज का हाई बनाया, फिर कंसोलिडेट किया और फिर ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया, एक करेक्शन हुआ और ये हाई, तो हायर हाइज एंड हायर लोज का स्ट्रक्चर इस स्टॉक में बनता रहा। दोस्तों एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि जब भी प्राइस में करेक्शन हो रहा है, गिरावट देखी गई है, तो उस समय पे वॉल्यूम कम हो जाता है। दोस्तों इसका मतलब कहीं ना कहीं बेयर्स बहुत हावी नहीं हो पाते हैं, और जब भी प्राइस वैल्यू जोन में आती है तो इसमें बाइंग आती हुई नज़र आती है। अगर रिसेंट टाइम में हम देखें दोस्तों तो क्या हो रहा है, प्राइस करेक्ट करती है EMA 21 पे सपोर्ट लेके एक नए इम्पल्स का फॉर्मेशन करती है। यहाँ पर देखें करंट मंथ में अगर हम इसे एनलार्ज करके समझें तो प्राइस ने करेक्शन किया, डाउनसाइड मोमेंटम का डिमिनिशिंग इफेक्ट था। आप देखिए कैंडल की बॉडी बड़ी छोटी बन रही थी और करंट मंथ की कैंडल ऐसा लग रहा है दोस्तों कि एक वन वाइट सोल्जर बनाने की प्रक्रिया में है। दोस्तों ऑफ कोर्स करंट मंथ की समाप्ति नहीं हुई है, इसलिए उस पर हम ज़्यादा डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम में और इस एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। अब वीकली टाइम फ्रेम में जब हम देखते हैं दोस्तों तो प्राइस ने करेक्ट किया और करेक्ट करने के बाद EMA 55 पर यहाँ सपोर्ट लिया, और इसके बाद यहाँ पर एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन हुआ। 30 मार्च 2021 की जो कैंडल बनी वीकली टाइम फ्रेम में वो एक इनसाइड बार थी, बुलिश हरामी पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ और ये करंट वीक में एक फॉलो अप कैंडल बनती हुई नजर आ रही है। प्राइस ने EMA 55 पर सपोर्ट लिया, कुछ ड्राइंग मैं सुपर इम्पोज करता हूँ जो मैंने खींच के रखी है ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ। यहाँ पर देखिए मल्टीपल प्राइस का रिजेक्शन था, प्राइस का रिजेक्शन था, और इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखिए दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन काफ़ी दिनों से वैलिड है, प्राइस का सपोर्ट, और पीछे भी जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में सपोर्ट नज़र आएगा, मल्टीपल सपोर्ट नज़र आएंगे। तो ये तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन की बात है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिन्होंने एक पोजिशनल लॉन्ग ट्रेड या निवेश किया होगा तो वो दोस्तों 12 रुपये 13 रुपये पे जब एंट्री किए होंगे तो एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन अभी तक ब्रेकडाउन नहीं हुई है। तो इसीलिए तो ट्रेंड को जब हम राइड करते हैं और स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रिस्क को मैनेज करते जाते हैं तभी बड़े प्रॉफिट की संभावना बनती है। इसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों रीसेंट टाइम में हम बात करते हैं क्या हम यहाँ पर एक और ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं, तो मैंने ये ट्रेंड लाइन खींची, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट। इस जगह पे देखिए दोस्तों बेयर्स ने प्राइस को पुश डाउन करने की कोशिश की, 23 मार्च 2020 को गैप डाउन ओपनिंग होती है, लेकिन एंटायर वीक में इसमें बाइंग नज़र आती है और मार्केट ग्रीन में क्लोज होता है। इसका मतलब ये ट्रेंड लाइन एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम कर रही है। अब रीसेंट टाइम में अगर हम देखें तो प्राइस ने केवल EMA 55 पे ही सपोर्ट नहीं लिया है, यहाँ पर देखिए प्राइस का एक मेजर कंसोलिडेशन था, जो पहले यहाँ रेजिस्टेंस था बाद में यहाँ सपोर्ट था, उसी जगह पे प्राइस ने सपोर्ट लिया है।
तो 321 से लेकर 300 से 321 का जो रेंज है ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग बेस बनता हुआ दिखाई दे रहा है प्राइस एक्शन एनालिसिस के अनुसार ग्रैन्यूल्स इंडिया के शेयर के प्राइस चार्ट पर दोस्तों। अब यहाँ पर हम फर्दर एनालिसिस करते हैं, मैं आपको एक और ड्राइंग करके दिखाता हूँ जिससे थोड़ा पिक्चर बेटर क्लियर होगी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राइस ने एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन जैसा फॉर्मेशन किया है। इसको हम डेली टाइम फ्रेम में समझेंगे कि क्या ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन समाप्त होने की कगार पे है या समाप्त हो गया है। यहाँ पर अगर हम एक ये आप देखिए मैंने एक ये फ्लैग खींचा है जो इस मासिव अपसाइड पोल का ये फ्लैग नजर आ रहा है जिसमें करंट वीक की कैंडल कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करती हुई नजर आ रही है और वॉल्यूम आप देखिए पिछले वीक से ऑलरेडी अधिक हो चुका है क्योंकि करंट वीक अभी चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ दोस्तों। और जब हम ये एनालिसिस कर रहे हैं तो एक लाइव मार्केट के दौरान में एनालिसिस कर रहे हैं क्योंकि उद्देश्य प्राइस एक्शन को समझाना और आने वाली अपॉर्चुनिटी को समझाने की कोशिश करना। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये फॉलिंग वेज का भी ब्रेकआउट होगा दोस्तों, अगर ये कैंडल इस फ्लैग के बाहर में क्लोज हो जाती है, अपसाइड में क्लोज हो जाती है। तो दोस्तों ये कई कॉन्फ्लुएंसेस हमें मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक पे। यहाँ पर ट्रेंड लाइन के पास में सपोर्ट लेना, EMA 55 का कॉन्फ्लुएंस, बुलिश फ्लैग का फॉर्मेशन, इसके बाद पहला जो रेजिस्टेंस था वो कंसोलिडेशन बैंड के अंदर में बाइंग आना, बुलिश हरामी, फॉलो अप कैंडल। तो चलिए अब डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं और डेली टाइम फ्रेम में चल के हम फर्दर प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ डेली टाइम फ्रेम में ये फ्लैग को मैं हटा देता हूँ ताकि बेहतर तरीके से हम इसे समझ सकें। तो दोस्तों अब समझते हैं कि ऐसा क्यों लग रहा है कि शायद ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन की समाप्ति होती हुई नजर आ रही है, उसके लिए क्या एविडेंसेस हमें प्राइस चार्ट पर नजर आ रहे हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए प्राइस के करेक्शन की शुरुआत हुई और यहाँ पर एक बुलिश पियर्सिंग का फॉर्मेशन हुआ लेकिन प्राइस ने एक नए हाई बनाने में फेल हो गई, तो यहाँ फेल्ड टॉप का फॉर्मेशन हुआ, प्राइस ने फर्दर करेक्शन किया। तो ये एक रेफरेंस वेव है, जो करेक्टिव वेव है, इसके फिबोनाची रिट्रेसमेंट को देखते हैं। ये देखिए वेव का फॉर्मेशन हुआ और ये मैं यहाँ ड्रैग करके ले जा रहा हूँ, तो देखिए 127.2% एक्सपांशन लेवल पे इसमें एक रिवर्सल नजर आया है जो की लेवल है। और क्या की लेवल्स हैं इस जगह पे, ये दो हॉरिजॉन्टल लाइन पे ध्यान दीजिए दोस्तों। प्राइस ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया था और यहाँ पर एक बुलिश पिन बार का फॉर्मेशन आप देख सकते हैं और इसके बाद ये जो अपर बैंड है प्राइस ने इस पे सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया और प्राइस इस लोअर बैंड पर, इस डिमांड बैंड में, जो ये डिमांड बैंड यहाँ पर कंसोलिडेशन के बेसिस पर है, तो ये डिमांड बैंड के कन्फ्लुएंस क्या है, इस ट्रेंड लाइन पर प्राइस सपोर्ट ले रही है, डबल बॉटम का फॉर्मेशन है और इसके बाद डबल बॉटम का अपेक्स जो फॉर्म हुआ वो 24th मार्च 2021 को हुआ जो हाई था 329.7 और कल की कैंडल को ध्यान से देखें दोस्तों तो ये इसकी क्लोजिंग जो है वो 332.5 पर है, इसका मतलब अपेक्स के ऊपर में क्लोजिंग होती हुई नजर आ रही है। हमने कई ट्यूटोरियल वीडियो में जीरो टू हीरो के तहत में थॉमस एंड बुलकॉस्की के बुक का रेफरेंस दिया है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न का, जिसमें इसके बारे में चर्चा की गई है। और यहाँ पर दोस्तों आप देखिए मल्टीपल सपोर्ट था तो ये एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करना चाहिए था लेकिन प्राइस ने बहुत आसानी से इसके ऊपर में ब्रेकआउट दिया और इस प्रोसेस में EMA 21 के ऊपर में इसकी क्लोजिंग हो गई। अब दोस्तों अगर हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाते तो आज हम इस कैंडल के हाई के ऊपर में, कल की जो कैंडल का हाई है वो है 334.5, तो इसको ऊपर में एंट्री करते। तो आज की कैंडल देखिए इसने हाई बनाया है 338 और उसके बाद में एक स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन इस लाइव मार्केट में नजर आ रहा है दोस्तों। तो ये सारी चर्चाएं जो हमने की ये इंडिकेट करता है, साथ में दोस्तों मोमेंटम इंडिकेटर को देखें तो यहाँ पर स्टोकास्टिक जो है वो ऑलरेडी बुलिश क्रॉसओवर दर्शा चुका है ओवरसोल्ड टेरिटरी से। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें
RSI जो एक मोमेंटम इंडिकेटर है, आप देखिए मैं इस जगह की वैल्यू आपको दिखाता हूँ। इस जगह पे RSI ने जो लो बनाया था, ये लो था यहाँ पर, और इसके नीचे लो यहाँ पर फिलहाल बनाया है, लेकिन प्राइस ने लो नहीं बनाया है। तो एक मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी क्लियर कट समझ में आ रही है। चलिए वीकली टाइम फ्रेम में एक मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप देखिए यहाँ पर RSI की वैल्यू देखिए, जहाँ पर पिछला पिवट लो है, जहाँ ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया था, और RSI उसके नीचे आ गया, और ये इंडिकेट करता है मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी। और ये मोमेंटम डिस्क्रिपेंसी अपियर हुई जब मल्टीपल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ, जिसके अपेक्स का ब्रेकआउट हुआ, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, तो मल्टीपल सपोर्ट है वीकली टाइम फ्रेम में, EMA 55 का सपोर्ट है। तो ऑल दीज थिंग्स इंडिकेट कि पॉसिबली ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन की यहाँ समाप्ति होती हुई नजर आ रही है, और ये एक वैल्यू जोन पर बाइंग की संभावना है। हमारा रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा दोस्तों? ये ट्रेंड लाइन जो है इससे 180 नीचे हम अपने स्टॉप लॉस को कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली रिस्क को मैनेज करने के लिए पोजीशन साइजिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों आने वाले समय में पॉसिबल टारगेट क्या हो सकता है, उसके लिए थोड़ा लॉन्ग टर्म हराइजन देखते हैं, क्योंकि हम बात निवेश की कर रहे हैं, हम बात एक लॉन्ग पोजिशनल ट्रेड की कर रहे हैं, जहां हम ट्रेंड को राइड करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो एक यहां पर करेक्शन हुआ, कंसोलिडेशन हुआ है, तो इस वेव को हम फिलहाल पहले एक रेफरेंस मानते हैं कि एक कहां तक जाने की संभावना इसमें हो सकती है। तो ये देखिए मैंने इस वेव को लिया, तो पहला टारगेट 480 पे आता है, उसके बाद इसकी संभावना इवन 570 के ऊपर जाने की हो सकती है। वैसे दोस्तों जिस फ्लैग की बात की, तो यहाँ पर एक करेक्शन हुआ था, यहाँ से भी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर इस जगह से हम कैलकुलेट करते हैं, इसे हम एक वेव मानते हैं कंसोलिडेशन, और इसे हम ड्रॉ करते हैं, तो देखिए 127.2% का लेवल जो था वो प्राइस ने यहाँ पर अचीव किया था, और उसके बाद करेक्शन की शुरुआत हुई, तो अगला पॉसिबल टारगेट 520 होने की संभावना है। तो टारगेट तो ऑलवेज नोशनल होते हैं दोस्तों, ट्रेंड को राइड करना और रिस्क को मैनेज करते हुए चले जाना बाय ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, यही एक बेहतर मुनाफे की तरफ हमें कंसिस्टेंटली ले जा सकता है। सारे ट्रेड सही होंगे नहीं होगा, इसीलिए दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट पोजीशन साइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर हम कंसिस्टेंटली सफलता चाहते हैं स्टॉक मार्केट में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस पसंद आई है तो दोस्तों इसे ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा, आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में हमेशा रहता है बेसब्री से इंतजार दोस्तों, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे लोगों को भी लाभ पहुंच सके, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन को एनेबल कर दीजिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें, और कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एनालिसिस, ट्यूटोरियल इस चैनल के ऊपर में मिस ना करें। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे दोस्तों अतिशीघ्र।